हेलो गाइस, मैं हृदयानंद भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को इस वीडियो में लिए हैं, जिसके चार ऑप्शन रहेंगे और ऑप्शन के बाद आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ठीक है, नहीं तो डिस्प्ले पर वो आंसर राइट आंसर को दिखा दिया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्प्ले पर, आइए देखते हैं। ट्रांसफार्मर का कोर को लेमिनेट क्यों करते हैं? आइए इसका ऑप्शन को देखते हैं। फर्स्ट, कॉपर लॉस घटाने के लिए। सेकंड ऑप्शन है वो कोर लॉस घटाने के लिए। थर्ड ऑप्शन यानी घ एडी करंट लॉस घटाने के लिए। फोर्थ ऑप्शन यानी घ हिस्टेरिस लॉस घटाने के लिए। काउंटडाउन शुरू करते हैं 10 सेकंड के, आप लोग अंदर रिप्लाई दें, नहीं तो 8 से 10 सेकंड के अंदर आंसर को डिस्प्ले कर दिया। तो इसका राइट आंसर घ हो गया, यानी एडी करंट लॉस घटाने के लिए ट्रांसफार्मर का कोर को लेमिनेट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में तेल का क्या कार्य है? ऑप्शन इंसुलेशन व कूलिंग प्रदान करना, ख प्रकाश प्रदान करना, ग शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करना, घ इनमें से कोई नहीं, यानी नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जरूर कमेंट कीजिए। आपके सामने काउंट डाउन शुरू हो गया है और 10 सेकंड के अंदर आंसर डिस्प्ले कर दिया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर आप देखिए का हो गया है। इसका जो तेल का कार्य होता है इंसुलेशन व कूलिंग प्रदान करने के लिए ट्रांसफार्मर में तेल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट अनियन प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन, सेकेंड यानी ख फ्लेमिंग के बाएँ हाथ नियम के अनुसार, ग ऑप्शन है फैराडे के नियम के अनुसार, फोर्थ ऑप्शन यानी घ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, काउंटडाउन शुरू हो गया है, आप लोग कमेंट करते जाइएगा आंसर। मैं सबका कमेंट का रिप्लाई दूंगा। इसका राइट आंसर है क, जो ट्रांसफार्मर होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्मेचर किस चीज से बना होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन की पत्तियों से, सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से, चांदी की पत्तियों से, और घ है सिलिकॉन स्टील के लेमिनेट पत्तियों से। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करते जाइए। आइए काउंटडाउन शुरू करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ख, यानी कि सिलिकॉन स्टील के पत्तियों से। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर होता है? ऑप्शन क पावर ट्रांसफार्मर, ख डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ग ऑटो ट्रांसफार्मर, और घ इनमें से कोई नहीं। तो ये चार ऑप्शन है, आइए काउंटडाउन शुरू करते हैं। तो इसका राइट आंसर ग होगा, एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। क्वेश्चन नंबर 6, इंडक्शन मोटर का फ्रेम आमतौर पर बनाया जाता है? क सिलिकॉन स्टील, ख कास्ट आयरन, ग एल्यूमिनियम, और घ कास। तो आइए काउंटडाउन शुरू करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनित्र का कार्य सिद्धांत होता है? फर्स्ट म्यूचुअल इंडक्शन यानी अनियोन प्रेरण, ख ओम का नियम, ग फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण, घ क्लर्क का सिद्धांत। काउंटडाउन शुरू। तो इसका राइट आंसर होगा ग, डीसी जनित्र का कार्य सिद्धांत फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के अनुसार कार्य करता है। 8वां क्वेश्चन, किसी पदार्थ के बार बार चुंबकित और विचुंबकित होना कौन सा हानि कहलाता है? फर्स्ट
एडी करंट लॉस सेकेंड, आवृत्ति हानि थर्ड, कॉपर लॉस और घा हिस्टेरिस लॉस। तो इसका राइट आंसर घा होगा। किसी पदार्थ का बार बार चुंबकित विचुंबकित होना हिस्टेरिस लॉसेस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9, रेसिस्टेंस का व्युत्क्रम क्या होता है? इसका फर्स्ट ऑप्शन कंडक्टेंस, ख इम्पीडेंस, ग सबटांस और घ रिलक्टेंस होता है। कंडक्ट जरूर। तो इसका राइट आंसर होगा क, रेसिस्टेंस का व्युत्क्रम कंडक्टेंस होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 10वां, ओम का नियम के अनुसार कौन सा इस सूत्र को फॉलो करता है? तो फर्स्ट भी बराबर आर, ख भी बराबर आई बटा आर, ग आर बराबर भी बटा आई, घ भी बराबर आई बटा आर। तो इसका राइट आंसर घ होगा, भी बराबर आई बटा आर। क्वेश्चन नंबर 11, एक कैपेसिटर अपने से होकर को क्या गुजरने देता है? तो आइए इसका ऑप्शन को देखते हैं। फर्स्ट केवल एसी को, केवल डीसी को, एसी तथा डीसी को, न एसी को न डीसी को। इसका राइट आंसर क्या होगा, एक कैपेसिटर अपने से होकर के केवल एसी को गुजरने देता है यानी अल्टरनेटर करंट को। क्वेश्चन नंबर 12, ट्रांसफार्मर डीसी वोल्टेज को क्या करता है? फर्स्ट कम करता है, सेकंड ऑप्शन है अधिक करता है, थर्ड ऑप्शन है घ यानी कि वोल्टेज समान रूपांतरित करता है, घ नॉट। काउंटडाउन शुरू है दोस्तों। इसका राइट आंसर घ होगा, ट्रांसफार्मर डीसी वोल्टेज को नहीं रूपांतरित करता है। क्वेश्चन नंबर 13, तेल सर्किट ब्रेकर का मुख्य कार्य क्या होता है? फर्स्ट इंसुलेशन प्रदान करना, सेकंड संपर्कों का शीतलन प्रदान करना, ग समन चाप और घ नॉट। काउंटडाउन शुरू। तो इसका राइट आंसर क हो जाएगा, जो कि तेल सर्किट ब्रेकर में तेल का मुख्य कार्य इंसुलेशन प्रदान करना होता है। अब आइए इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एमसीबी का पूरा नाम क्या होता है? यह हम प्रीवियस वीडियो में इसको बता चुके हैं। आइए इसका ऑप्शन को देखते हैं। मीडियल सर्किट ब्रेकर, ख मेन सर्किट ब्रेकर, ग मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, घ मेन लाइन सर्किट ब्रेकर। आप लोगों के बीच में काउंटडाउन शुरू है और इसका राइट आंसर जरूर कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी का जो पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 15 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। भारत में सप्लाई फ्रीक्वेंसी क्या है? जो भारत में सप्लाई फ्रीक्वेंसी है उसकी कितना है? 40 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज और लास्ट ऑप्शन है 70 हर्ट्ज। तो इसका काउंटडाउन शुरू और क्या होगा इसका जरूर आप लोग कमेंट करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही कॉमन क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर ख होगा, जो भारत में सप्लाई फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इंटरपोल का क्या कार्य है? अब आइए इसके ऑप्शन को देखते हैं। मोटर के गति में वृद्धि करना, कम्यूटेटर में चिंगारी को कम करना और घ विद्युत धारा में ईएमएफ को वृद्धि करना और घ प्रमुख क्षेत्रों में शक्ति प्रदान करना। तो काउंटडाउन शुरू है दोस्तों और इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इंटरपोल का जो कार्य होता है कम्यूटेटर में चिंगारी को कम करना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 17 नंबर देखते हैं। बल्कोज रिले का किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में उपयोग किया जाता है?
बल्कोज रिले का प्रयोग किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में किया जाता है? फर्स्ट ऑटो ट्रांसफार्मर, सेकंड ऑप्शन है करंट ट्रांसफार्मर, थर्ड ऑप्शन ऑयल ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। बल्कोज रिले का जो प्रयोग होता है वो अधिकतर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में किया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर बराबर डॉट डॉट कितना होता है? आइए इसका ऑप्शन को देखते हैं। फर्स्ट 600 वाट, सेकंड ऑप्शन है 746 वाट, थर्ड ऑप्शन है 845 वाट और फोर्थ ऑप्शन है 545 वाट। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करते जाइए। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो विभिन्न तरह के टेक्निकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर ख हो जाएगा, एक हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट होता है। क्वेश्चन नंबर 19, ट्रांसफार्मर के किस भाग सबसे अधिक गर्म होता है? यह ACCL के प्रायोगिक परीक्षा में पूछा गया था, कोलफील्ड में जो एग्जाम हुआ था। तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट कोर, सेकंड वाइंडिंग, थर्ड ऑयल और फोर्थ फ्रेम। तो ट्रांसफार्मर का किस भाग सबसे अधिक गर्म होता है? इसका राइट आंसर क हो जाएगा, ट्रांसफार्मर का सबसे अधिक गर्म भाग होता है वो कोर होता है। अब आइए दोस्तों इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में देखते हैं। ट्रांसफार्मर में कौन सा लॉस लोड के साथ परिवर्तित होता है यानी बढ़ता है घटता है? तो इसका चार लॉस दिया हुआ है, कॉपर लॉस, आयरन लॉस, एडी करंट लॉस और हिस्टेरिस लॉस। इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर का होगा, क्योंकि कॉपर लॉस तभी होगा जब लोड बढ़ेगा और घटेगा। तो ये छोटा सा वीडियो था, मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।